शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मनोज, मेरी ब्लैक कॉफी। सिद्ध, तुम ठीक हो? काश कि मैं ठीक होता। आशी, हमारे बीच भले ही कितना ही कुछ हो गया हो, लेकिन एक वक्त था जब हमारे दिल में प्यार था। लेकिन अब हमारा रिश्ता क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। सब बदल गया। हमारे दिल में जो प्यार था मर गया, लेकिन एक चीज है जो मेरे दिल में हमेशा रहेगी, मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत। आशी, मैंने तुमसे जितना प्यार किया था ना, मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे रिस्पेक्ट करता था। मुझे लगता था तुम में थोड़ी अकल है, सही गलत को समझने की परख है, जो करोगी सही करोगी। लेकिन आशी, इस बार तुम सही नहीं हो। सिर्फ जैसे हम तुम्हें हमेशा सही लगते थे ना, वैसे ही तुम भी हमेशा हमें सही लगते थे। ऐसा लगता था जैसे जैसे तुम जो भी करते हो हमेशा सही होता है। लेकिन नहीं, इस बार नहीं। इस बार हमारा दिल भी कहता है तुम बाइस्ड हो, एक तरफा हो। सच तुम्हारे सामने है फिर भी तुम नहीं देख पा रहे, या शायद तुम देखना नहीं चाहते। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दिल को जो सही लगता है वो हमेशा सच होता है क्या? तुम जो करती हो वो सही करती हो। आशी, इस बार तुम गलत हो और तुम्हारी गलती की सजा मेरे परिवार को मिल रही है। तुम्हारे दिल को जो सही लगता है वो हमेशा सच होता है। आशी, इस बार तुम गलत और तुम्हारी गलती की सजा मेरे परिवार को मिल रही है। हेलो, क्या सिद्धार्थ शर्मा के कजन राघव शर्मा को पुलिस ने रेप के चार्जेस में हिरासत में ले लिया है। राघव शर्मा पर आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ शर्मा की पत्नी आशी शर्मा है। बता दें कि सिद्धार्थ शर्मा का भी एक ब्रांड लॉन्च होने वाला था, कला क्रिएशन। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सनसनी खबर के बाहर आ जाने के बाद ब्रांड लॉन्चिंग पर क्या असर पड़ता है। हेलो ऑफिसर, आप ये खबर मीडिया में कैसे लीक कर सकते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, ऐसी खबरें छुपाए से नहीं छुपती हैं, आग की तरह फैलती हैं। और फिर आपका परिवार तो लखनऊ का सबसे जाना माना परिवार है, तो मीडिया तक तो बात जानी थी ना। क्या हुआ सर? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे बहुत फर्क पड़ता है। बाय द वे, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बदनामी मीडिया में जम के हो रही। आज की ताजा खबर, मेरी और मेरी फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद, जो कि तुमने बर्बाद की है।
विमा जी टेंशन मत लीजिए आप, हम कह रहे हैं ना आपसे, देखिए रिपोर्ट आपके बेटे के हक में ही आएगी। आज हमारे कला क्रिएशन की प्री लॉन्च पार्टी है और ये बात आग की तरह मीडिया में फैल गई है कि हमारे घर के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले गई, उस पे बलात्कार का चार्ज लगा है। जब ये बात लोगों के बीच में पहुंचेगी तो हमारे नाम और इज्जत की बड़ी थूतू होगी नीलिमा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये प्री लॉन्च पार्टी ही कैंसिल कर दें। नहीं 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 जीजा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इस प्री लॉन्च पार्टी के लिए हम लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है और ये सिड का सपना है, तो इसे लास्ट मिनट कैंसिल करना सही नहीं होगा। हेलो इंस्पेक्टर, रिपोर्ट्स आ गए। क्या हुआ, क्या है रिपोर्ट्स में? नीलिमा बोलो क्या हुआ, क्या बात है? मासी प्लीज बताइए रिपोर्ट्स में क्या है। सिड, राघव के रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। वो बेकसूर है, पुलिस को उसके सैंपल्स में कुछ नहीं मिला। नीलिमा ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमने तो बिफोरिंग ही सेट कर दिया था, वो लड़की एक नंबर की लाइज है। अरे हम तो कह ही रहे ये सब ऐसे अटने की चाल है बस, और कुछ नहीं। ऐसे कैसे? हेलो इंस्पेक्टर, रिपोर्ट्स में क्या आया है? आशी जी, रिपोर्ट्स में राघव का कोई भी सैंपल या फिंगरप्रिंट्स नहीं आए, ना स्टोर रूम में कुछ मिला है और ना ही चमेली के शरीर पर। यहाँ तक कि रिपोर्ट में ये भी आया है कि चमेली के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे? हो गया, मासी की बात पे विश्वास नहीं हुआ तो इंस्पेक्टर से बात कर ले। इंस्पेक्टर ने कहा ना रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, रिपोर्ट्स पे भी विश्वास नहीं हुआ। अभी तुम्हें राघव गुनहगार लग रहा है, अभी राघव के खिलाफ जाना है? सिद्धम किसी के भी खिलाफ नहीं जा रहे थे, हम बस उसका साथ दे रहे थे जो हमें सही लग रहा था। सही नहीं थी वो, सही मेरा भाई था, तेरा परिवार था। सारे सबूत शुरू से चीख चीख के कह रहे थे कि राघव बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन नहीं, तुमने किसी अपने की बात नहीं सुनी, किसी गैर लड़की के कहने पे जाके घर में पुलिस ले आई। चमेली ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भाई राघव बेकसूर है और ये सच साबित हो चुका है। आशी, फॉर गॉड्स सेक तुम ये सच मान लो। आप आशी देखो, तुम दूसरों की बात मानो गलत नहीं, लेकिन एक बार अपने परिवार की बात भी तो तुम्हें सुननी चाहिए। एनीवे, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ कि अब हम सब प्री लॉन्च पार्टी एंजॉय करें। राघव भी वापस आ रहा है तो डबल सेलिब्रेशन होगा, सो नो आर्ग्यूमेंट्स, नो बहस, नो रोना धोना। आप सब पार्टी की तैयारी कीजिए, आशी तुम भी। जी मासी, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके राघव को ले आता हूँ।